हाँ दोस्तों, कैसे हैं? आज 13 तारीख है और शनिवार का दिन है और निफ्टी क्लोजिंग में हम निफ्टी पे अपडेट लेके आए थे। जैसा मैंने आपको बोला था, निफ्टी रेंज बाउंड रहेगा 11,500 से 700। स्टिल इस वीक में हो सकता है थोड़ा 450, 450 को भी आपको दिखा दे, बट अगेन 650, 450 से 650 का रेंज में निफ्टी आपको क्लोजिंग देते हुए दिख सकता है इस वीक भी। और हो सकता है 11,600 के आसपास ये मंथली क्लोजिंग भी दे दे इस महीने आपको, 11,660, 11,650 के आसपास। तो निफ्टी बेरिस मोड में है और धीरे धीरे वो आपको डाउनवर्ड ही दिखाएगा, आपको नीचे की ओर ही दिखाएगा। तो इस वीक जो रहेगा, चांसेस है 11,450 से 11,650 के बीच में आपको निफ्टी देखने को मिलेगा। एक बार नीचे एक बार ऊपर करके वो रेंज में आपको मिलेगा। तो जब 11,450 के नीचे है, ऊपर की ओर चले, तो 11,650 तक जा सकता है। 11,600 जब तक है ऊपर की ओर, 11,600 पे एक उसका 38% का रिट्रेसमेंट है, तो वहां से अगर रिट्रेस करता है 600 तक क्रॉस करता है, तो आपको 670 तक, 680 तक जाते हुए आपको दिख सकता है। आगे डिटेल में चर्चा करेंगे, बट निफ्टी में अभी भी बेरिश पोजीशन ही बना के बैठना है आपको। यस बैंक में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। यस बैंक 105, 110 तक का लेवल आपको दिख सकता है। मार्केट गिरा है, फिर भी उसमें अच्छा खासा परचेज है। मोटर सेक्टर में आप पोजीशन जो भी बनाना हो, थोड़ा बनाएं, थोड़ा थोड़ा करके बनाएं, लेकिन याद रखें अप्रैल 20 के बाद जब उसका BSIMR का चेंज होगा, हॉलमार्क चेंज होगा, वहाँ से एक अच्छी बूम आने की संभावना है। मोस्ट प्रॉबली फरवरी मार्च से पोजीशन उसमें बनने चालू हो जाएंगे, लेकिन अभी अप टू या चाहें तो आप अप्रैल 20 के बाद उसमें पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ी सी आपको गिरावट तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी। और जुलाई अगस्त में कोई रिजल्ट नहीं है, सितंबर में रिजल्ट आएगा, तो अब जो इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा सितंबर के आसपास, मीन्स अगस्त 15 के बाद, 15 अगस्त के बाद। हो सकता है वहाँ पे जैसा डोमेस्टिक परफॉर्म करेगा, रिजल्ट जैसे आएंगे उसके अनुसार आपको परफॉर्म करते हुए दिखेगा। तो मार्केट अभी हो सकता है 2 महीने आपको जुलाई अगस्त बेरिश पोजीशन ही दिखे। आइए चलते हैं डिटेल में, निफ्टी 50 पे डिस्कस करते हैं। जो इसकी क्लोजिंग हुई है 12 तारीख को, 11,530 पॉइंट नीचे गिरे। ये एक टाइम में 600 ऊपर भी चला गया था, फिर नीचे की ओर गिरा और नीचे गिरे हुए के अब देखेंगे निफ्टी 50। तो एक बार ये 11,52 पे 601 का ओपन हुआ, 639.55, 640 का हाई बनाया, और लो 11,538 पे हुआ और कहीं ना कहीं लो पे ही जाके क्लोज दिया। और इनफैक्ट प्रीवियस जो क्लोज था 11,582 से, उससे नीचे 11,552 पे जाके क्लोज दिया। तो प्रीवियस क्लोज से भी लो पे क्लोज दिया। इंडेक्स की बात करें तो नेक्स्ट निफ्टी 50 भी है, अब देख रहे हैं, बाकी यहाँ पे सब है रेड में है, गिरावट में। सेक्टर इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी बैंक और निफ्टी ऑटो, ऑटो थोड़ा सा परफॉर्म करता हुआ दिखा। आईटी, मीडिया, मेटल, फार्मा, मेटल अच्छा परफॉर्म किया है, 0.75 से गिर दिया। फार्मा भी इश्यू बैंक और रिलेटिव में गया ना, बाकी जगह निगेटिव है। इंडिया ब्रिक्स कहें तो बहुत लो पोजिशन पर आ गया है 11.9, और अगर 10 से नीचे जाता है ओवरसोल्ड पोजीशन पे आएगा, तो कहीं ना कहीं फिर से आपको हाइक बाइक दिखते हुए दिखने को मिल पाएगा इंडिया बेस के अनुसार। लेकिन अभी बेरिस पोजीशन धीरे धीरे बना रहेगा। अगर FITI की बात करें तो FI ने अप टू 12 जुलाई तक जो क्लोज हुआ, कैश में 3,442 करोड़ की बिकवाली की है और DI ने 4,000 करोड़ की खरीदारी की है। फ्यूचर ऑप्शन में कहें तो FI ने 12 तारीख तक 3,383 करोड़ की फ्यूचर में सेलिंग की है, इंडेक्स में बाइंग किया है। इंडेक्स के थ्रू ये लोग मेंटेन कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड में इक्विटी में थोड़ा सा बाइंग किया है, मिड कैप और स्मॉल कैप में बाइंग हो रही है, तो 738 करोड़ की बाइंग की है। वहीं डेप्ट में जाकर के 27,000 करोड़ का लगा रहे फंड। FI इक्विटी में भी अभी तक 4,400 करोड़ का सेल कर चुका है और डेप्ट में 6,600 पोजिशन। मैं आपको बताया हूँ, जब तक FI में इक्विटी में बाइंग नहीं आ रही है तब तक मुश्किल है। और आप देखेंगे तो मई में जो पहले 15,000 करोड़, 33,000, 20,000 करोड़ हुआ, मई में कम हुआ, और अब जून में सिर्फ 1,000 करोड़ की बाइंग हुई और डेप्ट में इनकी पोजिशन बढ़ती जा रही है।
कहीं ना कहीं मार्केट में एक बेरिशनेस पैटर्न है, सो है, लगता है कि बनेगा। अगर मैं इसके वीकली चार्ट पे बोलूँ तो 11215 पे इसको अच्छा सपोर्ट है। ऑलरेडी इसने 11552 जो है सी, और 21 दिन का डेमा जो है 11543 के आसपास ही सपोर्ट लिया हुआ खड़ा है। 21 दिन का डेमा अगर इसको तोड़ता है तो 11215 जो कि 15 डे का वीकली डेमा है उस पर जाके आपको सपोर्ट लेते हुए दिख सकता है। अगर मैं एमएसटी की बात करूँ, स्टॉकिस की बात करूँ, तो स्टॉकिस देखेंगे आप इसमें यहाँ पे गिरता हुआ आपको पोजिशन दिख रहा है, और ये मंथली बेस पे है तो आप देखिए मंथली बेस पे भी ये डाउन ट्रेंड में आपको दिखा रहा है। आप चाहें तो इसको डेली बेसिस पे भी देख सकते हैं, तो डेली बेसिस में भी देखेंगे यहाँ से एक क्रॉस करते हुए स्टॉक के सारे से नीचे की ओर जाता हुआ एक पैटर्न बना रहा है, वीकनेस है, वीकनेस दिख रहा है, और हो सकता है कि वापस ये गिर के आपको यहाँ पे 11 लोअर जो बनाए थे 11450 475 का जो लो टेस्ट किया था उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा 461 का। तो निफ्टी में थोड़ी सी गिरावट की संभावना है अभी भी है, और इधर भी रिट्रेसमेंट की बात करें तो 11600 से नीचे की ओर है, जब 600 ऊपर की ओर जाएगा तो 670 तक जा सकता है, और हाईएस्ट 11723 जा सकता है, इससे नीचे ऊपर नहीं जाएगा। तो 11668 पे क्रॉस करता हुआ दिखाया और विद वॉल्यूम तो समझिए 11723 जाएगा, जो कि चांसेस कम है। मतलब 11650 भी क्रॉस करते हुए जो कि 38% रिट्रेसमेंट है उसको भी क्रॉस करते हालत खराब है, और पहले तो 23% रिट्रेसमेंट जो 11600 उसको ही क्रॉस करते हैं, इसको पैटर्न पे नहीं बन रहा है। तो कहीं ना कहीं ये वापस अपने पुराने लो 11461 को टच करता हुआ देखने को आपको दिख सकता है। अगर डेरिवेटिव भी एक बात बोलें तो जो क्लोजिंग हुई है 11552 की क्लोजिंग हुई है 12 जुलाई को, इस 18 जुलाई की जो हम एक्सपायरी को देखें, ये पुट है ये कॉल है, पुट साइड में जाकर के देखें तो कहीं ना कहीं 11400 तक पोजिशन बन रही है, जो कि आपको बताया 11250, तो यहाँ के अनुसार 11400 पे वॉल्यूम के साथ पोजीशन और रेट भी बढ़ रहा है, 15 रुपया लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, एलटीपी है, और कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट भी है, अच्छा खासा सपोर्ट 11400-450 पे मिल रहा है। तो नीचे का दायरा जो 11400-450 का है, ऊपर का दायरा 11600-650 का है, क्योंकि यहीं पे 5,74,46,000 से 7,82,82,000 से शॉर्ट की पोजीशन बनी है। तो कहीं ना कहीं 11600 क्रॉस करना डिफिकल्ट दिख रहा है, नीचे 11400 पे सपोर्ट अच्छा मिलता है तो 15 रुपया 85 पैसे पे आपको देखेंगे 11450 का पुट मिल रहा है। 11400 का पुट है जिसकी लो 5 रुपये थी, हाई 19 रुपया, फिर 15.85 में क्लोजिंग दिया है, 75 का लॉट है, 46% चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, बाय क्वान्टी 1,33,000, 1,13,550 बाइंग में ज़्यादा लोग खड़े हैं, तो ये एक अच्छा ऑप्शन ट्रेडिंग के पॉइंट से, पेपर ट्रेड के पॉइंट से दिखने को दिखता है, हो सकता है ये अच्छा परफॉर्म करता हुआ आपको दिखे। तो निफ्टी 50 में पुट की ओर संभावना ज़्यादा है, और 11500 का जो पुट है ज़्यादा कंपेरेटिव अच्छा दिखेगा कंपेयर टू अदर कोई भी पुट। अगर हम 11500 को देखें तो आप देखेंगे यहाँ पे 39-40 रुपीज़ में मिल रहा है आपको, लो था 14 रुपये का, सीधा जम करके 39 मिला है, और इसमें भी चेंज इन ओपन 3% है और 42,000 है, यहाँ पे 12 लाख 1,28,400 बाइंग है, 1 लाख सेलिंग है, 72,000। ये भी अगर देखेंगे तो लिक्विडिटी में ये भी एक पुट की पोजीशन 18 जुलाई की एक्सपायरी को पेपर ट्रेड करके देख सकते हैं। तो निफ्टी 50 में बेरिश पोजिशन है, टारगेट है लोअर साइड में 11400, ऊपर साइड में 11650, इस रेंज में आपको निफ्टी 50 घूमता हुआ आगे दिख सकता है। यहाँ आप देखे होंगे जो क्लोजिंग वो एडवांस 22 थे, डिक्लाइन 28 थे, जो गेनर थे वेदांता सन फार्मा टाटा स्टील एशियन पेंट यस बैंक थे, और जो लूजर थे विप्रो जैसे बजाज फाइनेंस कोल इंडिया एलएनटी थे। तो सारे चीज को जानते हुए ऐसा लग रहा है कि निफ्टी 50 में बेरिश पोजिशन बनी रहेगी। मेरा कोई भी किसी कहीं पर भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये नेक्स्ट वीक के लिए है जो कि चालू होने वाला है 15 तारीख से, तो हो सकता है यहाँ पे आपको नेक्स्ट वीक में वीकनेस देखने को मिल सकता है, रेंज अमाउंट 11450 से 11650 के रेंज में आपको क्लोजिंग होते हुए देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।